मेरा नाम मलिक उस्मान आसिम है। मेरा दावत इस्लामी के साथ बहुत प्यार है। मुझे बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मुझे भी ये तौफीक अता फरमाए कि मैं भी यही काम करूं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है? अगर नहीं हुआ तो उनकी पैदाइश से पहले की कोई एक निशानी वगैरह होगी? अभी आप पैदा नहीं हुए। अहले सुन्नत का यही अकीदा और हक यही है, पैदा नहीं हुए और ये उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिमट कर हरमैन तैयबैन में मक्का और मदीना में आ जाएगा। पहले इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लेकर आएंगे, फिर इसके बाद दज्जाल आएगा और फिर इसके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो ये कि इमाम महदी का ज़ुहूर होगा यानी आप डिक्लेयर होंगे, बाज़ औलिया किराम इनको पहचान लेंगे, आप इमाम महदी वहाँ ज़ाहिर होंगे, उस वक्त तवाफ़ कर रहे होंगे, उसमें मतलब बाज़ औलिया किराम इनको पहचान लेंगे और आसमान से भी एक आवाज़ आएगी कि ये हमारा खलीफा महदी है, तो सब इनके हाथ बैत करेंगे और फिर ये कि हर तरफ अमन कायम हो जाएगा और इस्लाम फैलेगा और सारी दुनिया पर आप हुकूमत फरमाएंगे। तो अभी निशानियां बाकी हैं और अल्लाह करीम से हम आफियत का सवाल है, निशानियों के इंतज़ार में क्या इंतज़ार क्या करना, सब तरफ कुफ्र फैलेगा सारी दुनिया में, मक्के मदीने में इस्लाम सिमट जाएगा, उस वक्त